चलो बोलना नहीं है, आज हम लोग पढ़ेंगे आलस कथा, ठीक है। संस्कृत का ये तीसरा लेसन है, संस्कृत का ये तीसरा लेसन है, ठीक है ना जी। ये संस्कृत का तीसरा लेसन है आलस कथा। इससे पहले हम लोग पढ़े थे पाटलिपुत्र, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे पाटलिपुत्र पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत का आलस कथा, ठीक है ना। आलस कथा हम लोग पढ़ेंगे। आलस सभी व्यक्तियों में होता है, थोड़ा बहुत आलस सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जब आलस हो जाता है ना तो ये बीमारी का रूप ले लेता है। क्या लेता है? बीमारी का रूप ले लेता है। तो नीतिकार लोग आलस्य को रिपु रूपम कहा है, रिपु रूपम, रिपु रूपम। कौन बोला है ये? नीतिकार लोग बोला है, नीतिकार लोग बोला है कि आलस जो होता है, आलस जो होता है रिपु रूपम होता है। मतलब क्या? देखो नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है, नाम तो देखो रिपु रूपम लगता है किसी का नाम है, लेकिन इसका मतलब है बीमारी, शत्रुता, दुश्मन है हम लोगों का। कौन? ये रिपु रूपम क्या है? दुश्मन। इसका मतलब तुम दुश्मन भी तर्क लगा सकते हो। हम लोग इतना भी मतलब ये दे सकते हैं, शत्रु बोलो, दुश्मन बोलो, बीमारी बोलो, क्या है ये सब बीमारी समझ लो। जिसको ये आलस लग गया ना वो काम जो है जल्दी नहीं करेगा। अगर कहेंगे रे ये तो काम करो तो अभी अच्छा सर करते हैं, ठीक है, फिर कहेंगे रे काम तो किए सर, हाँ भूल गए थे, अच्छा अभी करते हैं, मतलब तुम करोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये फिर भी ठीक है, ये आलस, एक आलस ऐसा है कि रोडवा में पड़ा रहेगा उधर, ठीक है, रोड में पड़ा रहेगा, लेकिन उसको जो है ना लगेगा कि हम पलंग में सोए हुए हैं। क्या लगेगा? पलंग में सोए हुए हैं, आलेशान बंगला में सोए हुए हैं, गाड़ी जा रहा है आ रहा है, कोई खींचियो देगा ना उसको तो कोई परवाह नहीं होगा उसको। ऐसा आलस व्यक्ति होता है दुनिया में, समझे, खाली सुतने का मन करेगा, थोड़ा बहुत खाएगा तो खाएगा, नहीं तो सुतल रहेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, मांग के खाना पसंद करेगा लेकिन काम करने नहीं जाएगा, ठीक है। जो देगा, जुट्ठो देगा ना वो भी खा लेगा, जूठा भी देगा तो भी खा लेगा, किसी का भोज भात होगा वहां जाके बैठ जाएगा, ऐसे करके दीजिए ना खाने के लिए, ठीक है, भोज भात में जाके बैठल रहेगा, उसको कितनों भगाओगे नहीं जाएगा, कहेगा कि हम खाएंगे तो जाएंगे, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो सुती हो जाएगा वहां खा पी करके। और शरीर मतलब नहाने का भी कोई नहीं है, क्योंकि कुछ काम नहीं करेगा, नहाएगा भी नहीं, धोएगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत हम लोग इसका इंट्रोडक्शन ले लिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जो बुक में है तुम्हारा उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। तो आलस कथा जो है, आलस कथा जो है ना, इसका राइटर कौन है? विद्यापति। इसका राइटर कौन है? विद्यापति राइटर है, मतलब लेखक। लेखक कौन है? विद्यापति लेखक है। किसका? आलस कथा का, आलस कथा का लेखक विद्यापति है। और ये मैथिली कवि है। क्या है? मैथिली कवि है, मैथिली में ये बहुत फेमस है ये कवि, बात समझे, ये क्या है? मैथिली कवि है। और अगर कहेगा आलस कथा जो है कहाँ से लिया गया है, आलस कथा कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से, ठीक है, ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। ये कहानी कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। आलस कथा से जानते हो?
कोई लड़का फेल हो गया था, ठीक है, इसी बार फेल हुआ है, उसको हम पढ़ाए, तुमको नहीं विश्वास हो तो हम ला के देंगे क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आलस कथा से आया हुआ है, आज ही 4 तारीख को एग्जाम हुआ है, इस चार तारीख को एग्जाम हुआ है, जो एक दो सब्जेक्ट में क्रॉस कर जाता है उसके लिए एग्जाम था, वो दिया, उसको पढ़ाए 10-15 दिन, अच्छा खासा फंसा है, ठीक है।